नमस्कार। आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने हम सबसे आने वाले रविवार को रात्रि 9:09 चाहे हैं। एक्चुअल में उसकी वास्तविक अवधारणा क्या है इस पर मैं चर्चा करूं, उससे पहले आप घर पे बैठे, इंटरनेट सबके पास है, फ्री है, आप सबसे मैं भी एक अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते उतना करिएगा। आप अपनी वॉल पे लगाएं, व्हाट्सएप से करें और अन्य जो भी आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से, और कम से कम ये संकल्प तो इस वीडियो को सुनने वाला हर व्यक्ति ले ही कि कम से कम 10 लोगों को तो मैं ये फोर्सफुली ये बात उन तक पहुंचाऊंगा ही, सुनाऊंगा ही। और देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो ही उन्होंने अपना संदेश पूरा किया, सोशल मीडिया पे उसके विरोध की बाढ़ सी आ गई। बहुत सारे लोग जो अपनी आयातित विचारधाराएं रखते हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि मोदी जी आप मास्क की व्यवस्था करो, आप तो डॉक्टरों की व्यवस्था करो, आप तो पुलिस की व्यवस्था करो, ये जो है दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, हमारी वैदिक संस्कृति आपको पता नहीं है ना आपने उसको पढ़ा है, उसमें दो व्यवस्थाएं आती है कि जब भी संकट काल का समय हो तो आपको अनेक प्रयास करने होते हैं। जैसे मान लीजिए घर में कोई व्यक्ति वृद्ध है, या मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी हमारा शारीरिक परिजन है, उसको शारीरिक पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए हम एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ साथ में उसको काढ़ा भी देते हैं, साथ साथ में हम लोग महामृत्युंजय का जाप भी करते हैं ताकि उनके आए हुए शारीरिक कष्टों का निवारण हो सके। अर्थात हमारे यहाँ अन्य प्रकार के तरीके हैं जिनसे हम आई हुई विपत्तियों का सामना करें, और ये विपत्ति तो ऐसी है जो अदृश्य है। मोदी जी ने रविवार क्यों चुना? मोदी जी ने रविवार इसलिए चुना क्योंकि दुनिया में चाहे किसी धर्म के मानने वाले हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे आप ईसाई हो, आप देखिएगा कि एक बिंदु ऐसा है जिसको हम प्रकाश कहते हैं, भगवान सूर्य कहते हैं। भगवान राम को नहीं मानने वाले लोग भी भारत में है, हिंदू भी है, मुझे आश्चर्य होता है, वो भी उनके अस्तित्व प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन आप सूर्य के अस्तित्व प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। भगवान सूर्य नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। अर्थात प्रकाश की साधना, प्रकाश का ध्यान और प्रकाश की मान्यता, ये हर एक धर्म मानता है। रविवार है, भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का दिन है, उस दिन हम प्रकाश की आराधना करें। और वो प्रकाश हमने रात्रि को क्यों लिया? क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह के यज्ञों की व्यवस्था है। एक होता है जिसको बोलते हैं द्रव्य यज्ञ, जो दिन में किया जाता है और उसके अंदर रात्रि में भी किया जा सकता है, किंतु उसमें बहुत सारे द्रव्य आपको समर्पित करने होते हैं, हवन सामग्री लगानी होती है, घी लगाना होता है, अन्य व्यवस्थाएं करनी होती है। लॉकडाउन का समय है, सब लोग घरों पर बैठे, ऐसी व्यवस्था ना बैठे तो उसका दूसरा जो एक यज्ञ होता है उसको कहा जाता है भाव यज्ञ, जिसको हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दीप यज्ञ की संज्ञा दी है। दीप यज्ञ में आप भाव यज्ञ करते हैं, जिसमें आप 8-9 दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, वो दोनों भी नहीं हो तो मोदी जी ने तो आधुनिकता को देखते हुए मोबाइल की टॉर्च तक की व्यवस्था की है कि उसको आप जलाइए और वहां खड़े रहकर के 9 मिनट तक हमारे पूरे सृष्टि के लिए मंगल कामना करने का महामृत्युंजय मंत्र पढ़े। आप एक बात और ध्यान से सुनिए कि घर पे बैठ करके आइसोलेशन में जाकर के हम सब लोग अपनी सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति तो केवल अपने तक सीमित रहने वाली संस्कृति नहीं है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, कोई अमेरिका के प्रधानमंत्री थोड़ी है। उन्होंने ये बात हम सब से कहा कि घर बैठे हम क्या कर सकते हैं। आप राय दे रहे हो उनको कि आप मास्क लाइए, सैनिटाइजर लाइए, मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर, ये व्यवस्थाएं सरकार अपने स्तर पर कर रही है। WHO बार बार नेतृत्व की बात करता है, भारत की प्रशंसा कर रहा है, उसकी चिंता आप मत करो। हमारा काम ये हो सकता है कि हम घर बैठ करके क्या कर सकते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस अवधारणा को लेकर चलने वाले लोग हैं। अर्थात हम घर बैठ करके क्या कर सकते हैं। मोदी जी को राय ना दें, वो कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, हम ये कर सकते हैं कि हम घर बैठ करके रविवार के रात्रि 9 बजे एक छोटा सा दीप यज्ञ अपने घर पे कर ले, उसमें 9 दीपक जला ले, 11 दीपक चला ले, मुंडेर पे आकर के महामृत्युंजय मंत्र का जोर से जाप करें। हमारे जितने लोग इसमें लगे हुए उनके स्वास्थ्य के लिए, जितने लोग कोरोना से पीड़ित है उनके स्वास्थ्य के लिए, और जो अभी स्वस्थ है उनके और दीर्घायुष्य के लिए ये दीप यज्ञ किया जा सकता है। मैं कई बार बड़ा अभिभूत होता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि राजनीति में अपना पूरा जीवन बिताने वाले मोदी जी ये आइडिया लाते कहां से है, क्योंकि ये दीप यज्ञ की अवधारणा पर हम 15 वर्षों से तो मैं दीप यज्ञ करवा रहा हूँ अनेक घरों में जाकर के, लेकिन सामूहिक दीप यज्ञ की अवधारणा उन्होंने ला करके रखी है, ये बहुत गजब है। आप सोचिए कि हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं, हम लोग गणेश पूजा करते हैं, क्यों सामूहिकता में करते हैं, क्यों पूरी मुंबई एक साथ गणेश पूजन करती है, क्यों पूरा बंगाल, क्यों पूरा देश एक साथ सामूहिक दुर्गा पूजा करता है, ये भी सामूहिक यज्ञ है। भारत का बड़ा सामूहिक दीप यज्ञ उन्होंने करने की अवधारणा ली है, और ये अवधारणा कहां से आती है? जो लोग मोदी की आलोचना करते हैं उनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 68-69 वर्ष का एक व्यक्ति 9 दिन से केवल पानी पीकर 20 घंटे काम कर रहा है। एक बार ऐसे 9 दिन बिता के देखिए, ये लगभग 35-40 वर्ष से अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं, इसलिए ये अवधारणाएं निकल करके आती हैं। और हमारे ऐसा कहा जाता है कि
कि आप घर बैठ करके यदि एक आध्यात्मिक उपचार अनुष्ठान कर सकते हैं तो वो अदृश्य शक्तियां जो हमारे ऊपर प्रहार कर रही हैं उनको रोकने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए भारतीय संस्कृति को जानने वाले लोग, और मैं एक और जो मुस्लिम भाई भी इसको देख रहे हैं, आप भी ये 9 दिन ये दीपक जला सकते हैं। आप भी नूर की साधना तो करते हैं, आप नूर साधना करिए, उसमें हदीस की कुरान की आयतें आप बांध सकते हैं। जो हमारे ईसाई भाई हैं वो भी अपनी कोई ना कोई जो सर्व मंगल की उनकी प्रार्थनाएं हैं वो कर सकते हैं। ये प्रार्थनाएं करें और इन प्रार्थनाओं से जो सामूहिकता का तेज निकल करके आता, सामूहिकता की ऊर्जा निकल करके आती है, वो ऊर्जा हम घर बैठे भी अपना योगदान कम से कम ये दे सकते हैं कि बाहर हमारे डॉक्टर्स एलोपैथी उपचार कर रहे हैं, हम घर पे रह करके या बाकी लोग काढ़े इत्यादि से अन्य जड़ी बूटियों से वो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक उपचार कर सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक उपचार हम भी कर सकते हैं। इसको करिए रादर देन मोदी की आलोचना करने या उसके पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के। गर्व करिए कि प्रधानमंत्री आपको ऐसा मिला जो वहां बैठ करके भी ये सोच सकता है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक साथ लाकर क्या ऐसा किया जा सकता है कि सबकी आहुति इस यज्ञ में, इस महालड़ाई में लग सके। ये आहुति लगाने का समय है, उसे लगाइए और इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक भेजिए और उनको बताइए। और भैया एक बात और ध्यान रखिएगा, विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। विज्ञान आपको ये बता सकता है कि हृदय कहाँ है, लेकिन क्योंकि वो उसको खोलेगा यहाँ से और 200-250 ग्राम का ऑर्गन आपके सामने निकाल के बता सकता है, लेकिन उसी हृदय में प्रेम है, दया है, करुणा है, ईर्ष्या है, सद्भाव है। आप उसके कितने टुकड़े कर लीजिए, उसको आप निकाल निकाल के अलग नहीं कर सकते। अर्थात विज्ञान की भी अपनी सीमाएं, और हमारी संस्कृति विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करने वाली संस्कृति है। मोदी जी ने जो विराट सामूहिक दीप यज्ञ का आयोजन किया है, मैं चाहता हूं इसमें हरेक भारतीय की आहुति लगे। इसलिए सुनिए और उन लोगों तक भी भेजिए जो इसका सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते, उन्होंने भारत को नहीं पढ़ा, उन्होंने वेद को नहीं पढ़ा, उन्होंने भारतीय संस्कृति को नहीं पढ़ा, वो आयातित संस्कृति वाले हैं, वो कहीं ना कहीं चाइना की और इटली की संस्कृति से प्रभावित लोग हैं जिनको केवल मोदी विरोध दिखता है। इसमें मोदी विरोध ना तलाश है, इसमें भारत की आर्ष संस्कृति का छुपा हुआ रहस्य तलाश है और इसमें भी अपनी सामूहिक भूमिका निभाए। निश्चित रूप से हम कोरोना से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।